अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मैं ज्योति पावा अपनी खट्टी मीठी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी खट्टी मीठी रसोई में बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाले बहुत ही अलग स्टाइल से अरबी के कबाब, जो आपको बेहद पसंद आएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी हैं और थोड़े डिफरेंट तरह से हैं। तो आज हम बनाएंगे अरबी के कबाब और इसके साथ बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से कबाब की चटनी। अगर हम इस अरबी के कबाब के साथ इस चटनी को खाएंगे तो इसका मजा जो है चार गुना हो जाएगा। आप बनाइए और मुझे बताना ये आपको चटनी कैसी लगी। ये बहुत ही लाजवाब चटनी और लाजवाब कबाब है जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खट्टी मीठी रसोई में इसे बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। सबसे पहले हम अरबी लेंगे। ये अरबी हमारी 500 ग्राम है और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और इसको धोना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी में होती है, तो इसे धोना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे कबाब जो है किरकिरे बनेंगे। तो अच्छी तरह से धो के एक कुकर में या पतीले में भी ले सकते हैं, एक विसल लगा लीजिए। बहुत ज्यादा विसल नहीं लगानी, एक में ये काफी गल जाती है। तो जब ठंडा हो जाएगा तो उसको मैश कर लेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी अदरक, तकरीबन आप ले लीजिए एक चम्मच। और दो से चार आप हरी मिर्च डालिए, उसे भी बारीक कट कर लेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया, इसे भी ऐड कर लेंगे बारीक करके। और अब एक पैन लेंगे और उसमें ड्राई रोस्ट करेंगे हम जीरा। ये जीरा एक चम्मच लिया है और आधा चम्मच हमने ली है अजवाइन। अब इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा कलर आ जाए तब हम बंद कर देंगे। इसको जलाना नहीं है ना ज़्यादा भूनना है, हल्का ही रखना है। फिर इसको ओखली में पीस लेंगे या दरदरा कर लेंगे। और अपने मिक्सर में ऐड कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे हम काली मिर्च, 1/4 चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे और 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे ग्रेट करके। आप हरी मिर्च को और लहसुन को पीस करके भी डाल सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च।
और अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने चाट मसाला। और ये मोटी वाली ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट, ब्राउन, बीच वाले पीस चाहे मोटे पीस। ये मेरे पास वेस्ट पड़ी थी इसलिए मैंने इसको जो है टुकड़ों में काट करके इसको मिक्सी में चला लेंगे, लम्स बन जाए। और ये हम डाल देंगे इसमें, ऐड कर देंगे अपने मिक्सचर में अरबी के। और ये अरबी के पत्ते हैं, ये मैंने बारीक करके इसको भी ऐड कर दिया है इसमें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालिए इसको। तो बस अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि हमारा मसाला सब तरफ लग जाए। और अब तैयार कर लेते हैं कबाब की चटनी। ये मैंने धनिया लिया है, थोड़ा सा धनिया है और 6-7 उसमें कलियां लहसुन की हैं, हरी मिर्च डाली है 2-4। और ये मैंने ली है भुनी हुई जो हमारे काले चने होते हैं वो लिए हैं, आप 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है और नींबू निचोड़ करके डालेंगे हम एक। और 4 से 5 हम डाल देंगे इसमें बर्फ। बर्फ डालने से एक तो हमें पानी नहीं डालना पड़ता और हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है और वो टिकती भी ज्यादा समय तक है। तो हमारी चटनी तैयार हो गई है और अब आ जाते हैं हम दोबारा से अपने मिक्सर की ओर। हम इसको अच्छा सा एक डो बना लेंगे, मतलब थोड़े से मुझे कम लग रहे थे ब्रेड क्रम्स, थोड़ा चिपचिपाहट ज़्यादा हो रही थी तो मैंने इसमें 2 चम्मच और मिला दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पैन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल, आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। और इस पे अपने हाथों में तेल लगाएंगे हम। सबसे पहले तेल लगा करके जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसको हम ऐसे गोल गोल करके कबाब की शेप देंगे, आप शेप कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं कि हम पहले तो अपने हाथों में तेल लगा लेंगे, फिर मिक्सचर को उठाएंगे और जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं उसके अंदर उसको चिपकाएंगे, ब्रेड क्रम्स में चिपकाएंगे या अपने कबाब में, तो अच्छे से शेप हमारी बन जाएगी और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी अच्छे से चिपक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वो मिक्सचर है वो काफ़ी स्टिकी है तो उस वजह से ये इस पर अच्छे से चिपक जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब गर्म तेल में हम इसको तलेंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम, तलेंगे नहीं। देखिए पहले ये मिक्सचर उठा लेंगे, ऑयल लगा लीजिए आप पहले और फिर उसको ऐसे करके उसमें हम ब्रेड क्रम्स जो बनाए हैं उसके ऊपर ऐसे लपेट लेंगे और फिर अच्छे से शेप दे देंगे। फिर एक बार अगर आप ये शेप दे लें फिर उसको उसके अंदर ब्रेड क्रम्स में दोबारा से लगा करके आप कर सकते हैं। एक तो ब्रेड क्रम्स लगाने से क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं ऊपर से और दूसरा ये चिपकते भी नहीं। अब हमारा जो तेल है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो सारे में ऑयल पी लेगा कबाब और वो बिखर भी जाएंगे। तो तेल गरम हो अच्छे तब हम डालेंगे, मीडियम हीट देंगे। अब हल्का हल्का ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।
देखिए कलर हमारा आ गया है गोल्डन कलर। तो हम अब करेंगे इसके साथ जो हम प्याज लगाएंगे उसको गोल गोल काटेंगे और ठंडे पानी में हम रख देंगे। इससे क्या है कि हमारे प्याज ना तो सॉफ्ट होएंगे और ना स्मेल आएगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे कबाब का। सभी को ऐसे क्रिस्पी कर लेंगे। लीजिए तैयार है हमारे कबाब और सर्व करेंगे हम अनियन और लेमन के साथ। अगर आप ग्रीन चिल्ली खाते हैं तो आप वो भी रख दिए। मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि इसको आप तल भी सकते हैं। ये देखिए तले हुए जो पूरी तरह से तले हुए हैं हमारे वो कैसे लग रहे हैं। अगर आप इस तरह से खाना पसंद करते हैं तो ये भी टेस्टी लगते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी देखते हैं ये बने कैसे हैं, टेस्ट कर लेते हैं। पहले कबाब डालते हैं, उस पर थोड़ी सी चटनी डालते हैं, अनियन लेते हैं और थोड़ा सा डालेंगे हम लेमन जूस। आप इस तरह से जरूर खाइए, आपको बहुत मजा आएगा इसके साथ। और जो चटनी मैंने बनाई है आप बिल्कुल वैसे बनाना, आपको मजा आ जाएगा इसको खा के। दही वाली चटनी डालने की जरूरत नहीं है जो मिलती है, क्योंकि इसमें जो हमने चने डाले हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप गार्लिक जरूर डालिए, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही लाजवाब बने हैं। चलिए जी अब हम दूसरी जो बनाई थी उसको भी टेस्ट कर लेते हैं वो कैसे बनी है। देखने में तो काफी क्रिस्पी लग रही है, खाने में कैसी है ये देखते हैं। वाओ, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है और टेस्टी भी बहुत है। आपको जो भी तरीका पसंद आता है वह दोनों तरीके से बना के देखिए और इंजॉय करें मेरी इस कबाब को। और फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।